नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी की एक और एनालाइज वीडियो में आपका स्वागत है। क्या कुछ संभावनाएं कल देख सकते हैं मार्केट में और क्या कुछ मार्केट ने आज किया है। आज काफी बढ़िया इंटरेस्टिंग मार्केट रहा था। कल मैंने आपको ये कहा था कि मार्केट यहां के आसपास से यू टर्न लेके मार्केट नीचे की साइड यहाँ आ सकता है। मार्केट यहाँ के आसपास ओपन हुआ, तेजी से इस एरिया में आया और ये एरिया मैंने बताया था कि फिबो के आसपास है। यहाँ से आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, ठीक है, और बाइंग का अपॉर्चुनिटी के साथ में आपको मोर देन 1000 पॉइंट एक ही डायरेक्शन में प्ले करने के लिए मिल गए थे। अब हम कल के लिए क्या देख रहे हैं, मैंने कल भी कह दिया था मार्केट बाइंग का ही है, सेलिंग का नहीं है, बट मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले सकता है क्योंकि वी शेप रिकवरी ली है और मार्केट कहीं ना कहीं इस टाइम फ्रेम में रुक भी सकता है और मार्केट कहीं ना कहीं अब मेरे को रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, ये देखते हैं कि अगर ये वाला पोर्शन मार्केट निकालता है कल के दिन, मार्केट अगर ठहर के थोड़ा सा ये पोर्शन निकालता है तो 37,900 और 900 से 950 या 37,000 तक का मैक्सिमम आप ये देख सकते हो कि तेजी से आपको एक टारगेट देखने को मिल सकता है ऊपर की साइड में। और यहाँ के आसपास मार्केट अगर कोई ट्रिगर नीचे के लिए देता है तो नीचे के लिए आप प्ले कर सकते हो। ये एरिया कल का हो सकता है और मार्केट हो सकता है कि ट्रिगर न दे और ऊपर की साइड तेजी से निकल जाए। ऊपर की साइड निकल जाएगा, हमारा कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर नीचे से कोई एंट्री लेके चल रहे हो तो ट्रेल करते हुए चल सकते हो, बाइंग हम इस जगह पे नहीं करेंगे, ठीक है। हम इस जगह के आसपास ट्रिगर फाइंड करेंगे सेलिंग का, अगर हमें मिलता है तो। एक तो ट्रिगर के प्लेस हो गया हमारा 36,900 से 37,000 के आसपास, ये 100 पॉइंट के अंदर 1 मिनट में फाइंड करना है, ठीक है। एक मार्केट हो सकता है खुल के इसको क्रॉस न करे और मार्केट इसी के आसपास रह के थोड़ा बहुत नीचे या ऊपर प्ले करके इसी रेंज में रहे। तो हम प्ले कैसे करेंगे, मार्केट में ये वाला जो लेवल आ रहा है, ये वाला जो ट्रेंड लाइन आ रही है, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट वापस से आ सकता है। छोटी टाइम फ्रेम पे देखेंगे ज्यादा क्लियर होएगा, ठीक है। एक घंटे के चार्ट पे भी हम देख रहे हैं तो ये वाला मैंने फिबो कल बना के दिया था जिसकी इंपॉर्टेंस निकल रही है और 15 मिनट पे आपको और भी बेटर समझ में आएगा। 15 मिनट के ऊपर अगर आपको याद है तो मैंने ये वाला एरिया आपको मार्क करके भेजा था, जस्ट इसमें ये ट्रेंड लाइन भी थी, ये फिबो भी था और एक ट्रेंड लाइन ये आ रही थी, ये थी और ये येलो वाला एरिया मैंने मार्क करके दिया था, ठीक है। और अगर आप मेरे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम पे भी जुड़ जाओ, मैंने मॉर्निंग में भी ये चार्ट पोस्ट किया था। अगर आप मेरा टेलीग्राम के ग्रुप में देखोगे मॉर्निंग के टाइम पे मैंने एसजीएक्स निफ्टी डाला, फिर ये डेली के चार्ट में डाला, ये वाला चार्ट देखो। ये वाले चार्ट में ये वाला पोर्शन, ये वाली ट्रेंड लाइन लगी हुई है इस जगह। मैंने कहा था मार्केट यहाँ तक आ सकता है, ये येलो एरिया हमेशा ट्रेपिंग के लिए बनाता हूँ मैं, तो यहाँ पे ट्रेप करते हुए मार्केट तेजी से आपको 1 मिनट पे कोई ट्रिगर दे तो आप ऊपर की साइड प्ले करते। मार्केट यहाँ तेजी से आया, एक यहाँ का रिट्रेसमेंट लिया, थोड़ा सा नीचे आया और वापस ऊपर की साइड निकल गया था। तो हमें 1 मिनट पे अच्छे अच्छे ट्रिगर मिले थे जिसपे बहुत ऊपर के टारगेट हम देख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को 40 गुना तक का रिवार्ड देखने को मिला है यहाँ पे और यहीं के आसपास हम देख रहे हैं ट्रेप एरिया में मार्केट आके तेजी से ऊपर निकला। और अगर हम इसको देखते हैं मार्केट कहाँ तक जा सकता है, तो यहाँ पे एक अपनी एडवांस ट्रेंड लाइन बन रही थी, उसी एडवांस ट्रेंड लाइन तक मार्केट आया, वहां के बाद एक रिट्रेसमेंट लिया, फिर उसके बाद में क्रॉस करते हुए ऊपर निकला, ठीक है। अब हम कल के लिए क्या अपॉर्चुनिटी देखेंगे, मार्केट ने आज काफी स्पीड दिखाई है और ये बोलते हैं हाईली मार्केट एक ट्रेंड में रहा है। या तो मार्केट ट्रेंड में रहे या मार्केट यहाँ से पोज ले ले, क्योंकि हाई एक्सपेक्टेड में क्या हुआ, या तो कंटिन्यूएशन मिल जाएगी और या फिर मार्केट पोज लेगा या फिर एक सिनेरियो और मिलेगा। यहाँ से मैंने 250 पॉइंट ऊपर जो 36,800-9,000 के आसपास 37,000 तक का एरिया दिया, मार्केट क्विकली एक थोड़ा सा डिप देके तेजी से वो एरिया कवर करे और उसके बाद में मार्केट नीचे की साइड आ जाए, या फिर मार्केट गैप अप खुले, गैप अप खुल के, यहाँ खुल के नहीं करा, यहाँ खुल के अगर मार्केट ठहरता है और फिर रेंज तोड़ता है तो भी दे सकता है, और गैप अप खुले तो तेजी से ऊपर चला जाएगा। गैप अप खुलेगा तेजी से मार्केट 5 से 10-15 मिनट के अंदर यहाँ चला जाएगा और इसके बाद में मार्केट नीचे की साइड आ सकता है, ये संभावनाएं हम कल के लिए देख रहे हैं। अगर मार्केट गैप अप खुल के गया तो यहाँ के आसपास हम सेलिंग देखेंगे, 1 मिनट के ऊपर जो ट्रिगर मिलेगा उसको ही प्ले करेंगे, वो एरिया इंपॉर्टेंट होगा, 36,900 से 37,000 का एरिया आपका इंपॉर्टेंट होगा सेलिंग के लिए। और बाइंग के लिए अगर हम देखेंगे तो मार्केट अगर थोड़ा सा यहाँ से खुल के न्यूट्रल खुल के या थोड़ा सा नीचे की साइड खुल के अगर इस एरिया को तेजी से ब्रेक करे, बिना रेंज बनाए हुए, बिना होल्ड किए हुए तेजी से अगर रेंज ब्रेक करे तो बायर्स इंटरेस्टेड होंगे। बायर्स के साथ में एक एरिया यहाँ के आसपास आपको तेजी से एक एरिया दिखाई देगा, उसी के आसपास आपको छोटा मोटा, यानी कि रुकेगा नहीं मार्केट, तेजी से एक आपको
कोई ऐसा ब्रेकआउट दिखाई देगा जिससे मार्केट तेजी से नीचे की साइड आ सकता है, और मार्केट कहाँ तक नीचे आ सकता है, ज्यादा नीचे की मैं संभावनाएं मार्केट में अब नहीं देख रहा हूँ। या तो मार्केट रेंज रहेगा या मार्केट ऊपर निकलेगा, मार्केट नीचे ज्यादा नहीं आने की संभावनाएं देख रहा हूँ। ट्रेपिंग करके या स्नेरियो ही बदल जाए बिल्कुल तो एक अलग बात है, बाकी मेरी संभावना मार्केट को या तो रेंजिंग में रहे या ऊपर जाए। ऊपर जाने के बाद ये लेवल मैंने दे रखे हैं 37,000 वाले लेवल और 37,900, इस लेवल से मार्केट पलट के नीचे आ सकता है, ठीक है। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो ऑलरेडी ये लोग ट्रेप हो गए। गैप डाउन के सिनेरियो में आपको एक क्विकली नीचे की साइड में फिबो देखने के लिए मिल सकता है जिसमें ये लोग ट्रेप होंगे, ठीक है। अगर हम वो फिबो लगा लेते हैं तो मैं आपको लगा के फिबो भी दिखा देता हूँ। ये एरिया बॉटम था, एक सेकेंड, अगर हम यहाँ से फिबो लेते हैं तो ये एरिया बॉटम था और ये एरिया टॉप रहा। अगर मार्केट खुलता है गैप डाउन तो मार्केट क्विकली इस रेंज के आसपास, जो ये वाली रेंज है यहाँ के आसपास, ठीक है। तो अब हम एक पीला वाला एरिया रख देते हैं आपके समझ के लिए कि एक यहाँ पे एक ये वाला एरिया लगभग आपका ट्रेपिंग एरिया हो सकता है, ठीक है। इस एरिया के आसपास अगर मार्केट आता है, ये एरिया मान के चलो, इस एरिया के अंदर आपको अगर ट्रेपिंग मिलती है तो आप इसको प्ले कर सकते हो ऊपर के लिए, ठीक है। तो यहाँ के आसपास अगर आता है तो आप, अगर कोई ट्रिगर एक मिनट में मिलता है, आप ऊपर के लिए प्ले कर सकते हो। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और मार्केट अगर न्यूट्रल खुलता है और एक रेंज बनाता है, रेंज बनाते हुए तेजी से नीचे आए तो मुझे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नीचे की नहीं, लेकिन इस साइड में मार्केट में आता है तो आप ऊपर के लिए एक ट्रिगर प्ले कर सकते हो। नीचे के लिए कोई प्ले का नहीं है, नीचे के लिए प्ले के लिए एरिया 36,900 से 37,000 का एरिया है, या फिर मार्केट इस रेंज में एक रेंज बनाने के बाद में ब्रेकआउट करते तो क्विकली आप नीचे के लिए प्ले कर सकते हो। बाकी नीचे के लिए ज्यादा मजबूत एरिया नहीं है, प्ले बाइंग का ही एरिया मजबूत है, और बाइंग के लिए आपका ये 35,900 36,000 के लेवल के आसपास जो ये क्लोजिंग है यहाँ के आसपास अगर कोई ट्रिगर मिलता है ऊपर के लिए तो आप बेहतरीन प्ले कर सकते हो। ये वाला ट्रिगर आपको काफी ऊपर लेके जा सकता है और बढ़िया प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। तो आपके लिए प्लेसेस कौन से इंपॉर्टेंट है, एक प्लेस ये इंपॉर्टेंट है, अगर न्यूट्रल खुलता है तो ये ब्रेकआउट के लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर मार्केट यहाँ गैप अप खुलता है तो तेजी से ऊपर जा सकता है। गैप अप खुल के यहाँ रुक के नीचे की साइड आने की कोशिश करें, नीचे की ज्यादा संभावना ही नहीं, ऊपर की साइड संभावना है। अगर आपको ये खुल के अगर थोड़ा सा नीचे की साइड डिप देता है, 50-50 देता है, कोई एंगल देता है तो आप ऊपर के लिए ही प्ले कर सकते हैं गैप अप खुलने पर। और न्यूट्रल खुलने पर अगर ऊपर की साइड ज्यादा जाता हुआ दिखाई दे तो ज्यादा तेजी से ऊपर नहीं जाएगा, कहीं से भी अगर थोड़ा सा दिखाई दे तो नीचे आ सकता है, ज्यादा नीचे नहीं आएगा, और फिर उसके बाद में वापस ऊपर जाके फिर नीचे के लिए एंगल दे सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी बन रही है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, ठीक है, जिसको हम कल के लिए प्ले कर सकते हैं। और जैसा स्नेरियो देखो, मार्केट की 1000 चाल है, जैसा भी मार्केट का रहेगा डायरेक्शन मैं आपको अपडेट कर दूंगा अपने टेलीग्राम के ऊपर। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, और टेलीग्राम पे मैंने आज भी काफ़ी सारी पोस्ट डाली हैं, जब भी मेरे को टाइम मिलता है तो मैं टेलीग्राम पे चीज़ें डालता रहता हूँ। यहाँ के आसपास मार्केट आया था तो मैंने कहा था कि मार्केट यहाँ से वापस जा सकता है, यहाँ के आसपास एक रिट्रेसमेंट मिलेगा, तेजी से नीचे आ सकता है, ये पीले वाले एरिया में हम बाइंग करेंगे। और इसके बाद में देखो मार्केट नीचे की साइड में आया है तो मैंने एरिया दिया, इस एरिया में मार्केट आया तो मैंने अलर्ट किया था कि आप यहाँ से बाइंग देख सकते हो 1 मिनट पे ट्रिगर, तो मैंने भेजा था कि देखो अभी तक कोई ट्रिगर नहीं बना है, मैंने वेट फॉर 1 मिनट ट्रिगर, ट्रिगर नहीं मिला। और ट्रिगर मिलने के बाद जब मार्केट ऊपर निकलता है तो मार्केट काफी तेजी से ऊपर निकल के 1000 से ऊपर के पॉइंट की चाल मार्केट हमें दे रहा है, और वो सारी की सारी चीजें मैंने इस पे अपडेट की हैं। तो आपको काफी अपडेशन आपको टेलीग्राम के जरिए मिल जाएगा, आप टेलीग्राम पे अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।